अस्सलामुअलैकुम, एसएस किचन में वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ पीना कोलाडा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। ये देखें, ये इसमें आइस भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये बर्फ़ हो चुका है। ये मैंने कोकोनट मिल्क लिया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है, एक गिलास भर कर। इसके साथ ही मैंने वनीला आइसक्रीम ली हुई है और ये फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून ये ले लेंगे हम। ये मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल के पीसेज ले लिए हैं, कैन में हमें मिल जाते हैं बड़े इजीली। और ये मैंने छोटा कैन पूरा एक ले लिया है और उसके साथ थोड़ा सा इसका सिरप भी है। और ये शुगर सिरप है, 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप चीनी भी ले सकते हैं। तो चलें हम ब्लेंडर की तरफ चलते हैं। तो हमने एक जूसर ले लिया है और इसमें हम सबसे पहले पाइनएप्पल डालेंगे। इसके साथ ही हम आइसक्रीम डाल देंगे, थोड़ी मेल्ट हो गई, गर्मी ज़्यादा है, मेल्ट हो गई आइसक्रीम, वो हमने डाल दी। ये हमने क्रीम ले ली। शुगर सिरप, और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। देखिए, हमने इन्हें पहले ब्लेंड कर लिया है ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह। और अब इसके बाद हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे इसमें। इसमें आइस भी है काफ़ी सारी, तो ये स्लशी आपकी ड्रिंक बनेगी। और इसके साथ ही ये आइस क्यूब भी थोड़ा सा डाल दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत मज़े की बनी है। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये ड्रिंक। और वैसे तो इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल रखना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे स्लाइसेस वाले पाइनएप्पल मिले नहीं, तो मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं, मिंट ही रख देती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मुझे नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।